हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकेप फ्री है। मेरे चैनल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भर्ती आया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑल इंडिया भर्ती है। इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पोस्ट मिलेगा 334 टोटल, इसमें आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पोस्ट के बारे में मैं आप लोग को सब कुछ डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया जाए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ठीक है। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं indiafastjobalert.com। इस वेबसाइट पर ऑल इंडिया लेवल तक वो सभी जॉब की जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे करते क्लिक करते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सब कुछ वो मिल जाएगा जो आपकी ज़रूरत है, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई का लिंक। तो यहाँ पे आपको आप ऑनलाइन अप्लाई का लिंक सबसे नीचे आपको जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है जो एक्टिव हो चुका है, जो अपने मोबाइल में भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये है ऑफिशियली जो जारी हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट जिसे PDF बोला जाता है, तो इसको आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है, तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हो। चलिए हम पोस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट को ये भी लग सकता है कि ये फेक है, तो मैं आप लोग को एंड में प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ये ऑफिशियली जारी हुआ है। मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भर्ती लिया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों, जो इसमें अप्लाई का जो लास्ट डेट है दोस्तों, 30 जून 2021 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 334 टोटल इसमें पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों जॉब लोकेशन होगा ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पोस्ट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको पोस्ट मिलेगा दोस्तों, इसमें आप लोगों को फ्लाइंग रेंज में आप लोगों को पोस्ट, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, फ्लाइंग जो NCC स्पेशल एंट्री भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे जो एज लिमिट है 20 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 20 से लेकर 26 ईयर्स तक। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे दोस्तों 20 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात करें दोस्तों रिलैक्सेशंस की, अगर आप STSC कैंडिडेट हो तो आप लोग का 5 ईयर्स प्लस हो जाएगा, OBC कैंडिडेट 3 ईयर्स एंड PW कैंडिडेट 10 ईयर्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पोस्ट में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस भी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। जो NCC स्पेशल एंट्री का जो कैंडिडेट है, उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल का जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन सही है, 10+2 सही है, आपको 50% होना पड़ेगा, आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का जो पोस्ट है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 12 पास यानी कि 10+2 होना चाहिए एंड बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अकाउंट ब्रांच का जो पोस्ट है, इसमें आप लोगों को 10+2 पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को BCOM डिग्री एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफाइड, जो CA MCA इस टाइप का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात करें दोस्तों जो फ्लाइंग ब्रांच का जो पोस्ट है, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए, 10+2 विथ 50% मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स अगर आपके पास है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन देख रखा हो, जैसे देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो इसके लिए अप्लाई स्टार्ट होगा 1 जून 2021 से लेकर अप्लाई स्टार्ट होगा, 1 जून से अप्लाई स्टार्ट होगा, और ये अप्लाई चलने वाला है 30 जून 2021 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई चलने वाला है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है, ये यहाँ पे करके आप अपने मोबाइल में भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियली जारी हुआ है जो PDF का लिंक ये है, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है ये फेक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि ये फेक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये आप लोगों को आपके सामने ये देख सकते हो, ये ऑफिशियली जो जारी हुआ है यही है वो नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप बिना डाउनलोड किए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा जाएगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।